दोनों ही सुबह में पांच गेंदों पे पांच चौके लगाए थे पिंटू पाटिल ने, हरेश शेख ऐसे बैट्समैन है इस ग्राउंड के, और वैभव पाटिल वकी स्पोर्ट मापोली के, जिन्होंने छह गेंदों में छह चौके लगाए हैं इसी ग्राउंड पे। वहीं हरेश ठाकरे बल्लेबाजी को आए हैं। गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे उज्जवल वीआईपी एंड से, और उनका सामना करेंगे राहुल। इस बार पहली गेंद उसे चॉप किया है पॉइंट की जानिब, एक रन लेने में सफल, और ओवर थ्रो, जहां एक थे वहां दो हो गए। और नंदन पाटिल भी वो बैट्समैन है जिन्होंने इसी ग्राउंड पे छह गेंदों में सिटी क्रिकेट में छह चौके लगाए हैं। वो समय नंदन पाटिल का ये था कि सिर्फ बाउंड्री की बौछार कर दी थी उन्होंने, अच्छा पंच किया था पहली गेंद पर राहुल ने, इस दो रनों की मदद से अपना और अपनी टीम का खाता खोला। इस बार उठाकर खेला इनफील्ड के ऊपर से, खिलाड़ी पहुंचते हुए वहां पर हल्का सा थ्रंबल हुआ था, दो रन लेने में कामयाब हुए दोनों ही बल्लेबाज, इस दो रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर चार रन। यस आई थिंक दिस इज द गुड स्टार्ट फ्रॉम राहुल, ही प्लेड ओवर द इनफील्ड, लास्ट वन वाज अ चिप्ड अवे ओवर मिड ऑफ एंड गेस टू। स्विच हिट करना चाहते थे राहुल, लेकिन बॉल आई नहीं बराबर बैट पर, वहां पर फिर से मिस फील्ड, कवर करने आए थे लेकिन कोई भी नुकसान नहीं, दूसरे खिलाड़ी दूर से आकर उन्होंने बहुत ही अच्छा बैकअप दिया, एक ही रन, इस एक रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर पांच रन। ये भी तो नहीं भूलना चाहिए कि समायरा स्पोर्ट एक ऐसी टीम है जो बहुत ही छिंजाड़ू है, लेकिन ये भी तो नहीं भूलना चाहिए कि ट्रिपल एस ने नाना कप में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, ट्रिपल एस का परफॉर्मेंस करेश मात्रे के शो में भी अच्छा रहा था। इस बार घूम कर खेला है हरेश ने, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट की जानी, काफी दूर थे खिलाड़ी, नहीं रोक पाएंगे चार रन, बहुत ही खूबसूरत शॉट आता हुआ हरेश के बल्ले से। बहुत ही खूबसूरत शॉट, पूरी तरह से मैंडेटरी पावर प्ले का फायदा उठाया बल्लेबाज ने, अच्छी बल्लेबाजी हम देख रहे हैं। ऑफ स्टंप पर सफल करके आए थे हरेश, उन्हें पता था वहां पर कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है, खाली स्थान पर शॉट को खेला और चार रन बनाने में सफल हुए। अब फील्ड में कुछ चेंज करते हुए, जहां पर शॉट को खेला था हरेश ने वहां पर अब एक खिलाड़ी रखा है। इस बार व्हाइट घोषित के एम्पायर ने, लेग स्टंप के काफी बाहर रही थी गेंद, स्वीप करना चाहते थे हरेश ठाकरे। हरेश ठाकरे के पास एक कीर्तिमान है 26 साल का, एमएलए ट्रॉफी में विकेटों के पीछे उन्होंने सात कैचेस पकड़े थे। ठीक है थोड़ा टॉस को रोक लूंगा तेरे लिए। इस बार उठाकर खेला है, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर, छह रन, बहुत ही खूबसूरत शॉट, ट्रैफिक में फंसा है हरेश के बल्ले से, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला था शॉट को, बहुत ही खूबसूरत, अपने आप को जगह दी थी, पहले पैर को अलग किया था और दे मारा बाउंड्री लाइन के बाहर, बढ़िया बल्लेबाजी। हरेश ठाकरे अगर एक बार रंग में आए तो फिर उनको रोकना मुश्किल, ये देखिए क्या फॉलो थ्रू था, शॉट की फिनिशिंग कितनी अच्छी थी, बहुत ही करारा प्रहार। इस बार कट किया है वहां पर हल्का सा थ्रंबल और दूसरा लेने में सफल दोनों ही बल्लेबाज, जहां एक थे वहां दो दे बैठे,
बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंद को आने दिया था, लेट कट किया था गली की बगल से, देर से बल्ले के मुंह को खोला था, बहुत बढ़िया शुरुआत हम कहेंगे यहाँ पर। समायरा स्पोर्ट्स के पहले ओवर में 18 रन बने और हरेश ठाकरे अच्छे टच में नजर आ रहे। एक ओवर की समाप्ति और कुल रन बने हैं 18। मैंडेटरी पावर प्ले का पूरी तरह से लाभ उठाते हुए दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही अच्छी शुरुआत दिलाई है समायरा स्पोर्ट को। अब देखना है कप्तान किसे गेंदबाजी पर लगाते हैं जो रनों पर रोक लगाएंगे। और अब दूसरा ओवर लेकर राज हाजी समझ से स्टैंड एंड से इस बार धीमी गति की गेंद थी, इसे घूम कर खेला है स्क्वायर लेग की जानिब, नहीं रोक पाए खिलाड़ी, पूरे 4 रन बनाने में कामयाब राहुल। कमाल का अटैक हम देख रहे हैं समारा स्पोर्ट बबन पाटिल फैम टीम है। ये देखिए किस तरह से शॉट को खेला, गेंद की लाइन के अंदर आए, गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ खेल दिया स्क्वायर लेग पे 4 रन। समायरा स्पोर्ट मेरे बहुत ही खास मित्र बीसी पाटिल की बच्ची का नाम है। बहुत ही धमाकेदार शुरुआत अब तक समायरा की। फिर से शॉट को खेला है इस बार फाइन लेग की जानिब और 4 रन। बहुत खूबसूरत शॉट, हुक कर दिया था गेंद को लॉन्ग लेग पर, पहले बाउंस पर 4 रन, गेंद की लाइन से अपने आप को अलग कर दिया था। आइए देखते हैं किस तरह से शॉट खेला, ये देखिए अपने आप को गेंद की लाइन से किया अलग और हुक कर दिया लॉन्ग लेग बाउंड्री पर 4 रन। बहुत ही खूबसूरत शॉट राहुल की बल्ले से आता हुआ। दो गेंदों में दो चौके जड़े हैं और देखना है कि चौकों की हैट्रिक पहली की थी पिंटू पाटिल ने, क्या चौकों की हैट्रिक राहुल करने जा रहे हैं। बेहतरीन शॉट, इस बार गेंद अपरकट खेला है, गेंद जा रही है पॉइंट की तरफ 4 रनों के लिए, गेंद में उछालता अपने आप को रूम दिया और हवे में शॉट को खेला था 4 रन। ये देखिए शॉट वाइड एंड पनिश्ड, बहुत खूबसूरत अपरकट, ग्रेग चैपल इस तरह के शॉट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खेला करते थे, गेंद बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर जाती भी 4 रन। और चौकों की हैट्रिक भी इस बार, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल का सही मिलाप नहीं, 1 रन, इस 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 31 रन बिना किसी नुकसान। बढ़िया शुरुआत हम देख रहे हैं समायरा स्पोर्ट्स की और चिंतित नजर आ रहे हैं टीम के कैप्टन सुनील। फिर से अपरकट किया इस बार हरेश ठाकरे ने, बहुत ही खूबसूरत शॉट, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। लूट मार मचा रखी है रनों की दोनों ओपनर्स ने, लुक एट दैट शॉर्ट राइजिंग डिलीवरी
Harish goes his back foot and cuts jazz ball over the infield couple of fences, cross the boundary, squarish tournament fence for four. बहुत ही अच्छी शुरुआत दिलाते हुए दोनों ही सलामी बल्लेबाज समायरा स्पोर्ट को। अभी दो ओवर की समाप्ति भी नहीं हुई है और 35 रन बना चुके। हो परफेक्ट यॉर्कर, डंडा को बिखेर दिया बल्लेबाज ने। इसे कहते हैं डंडा गया सैर करने। थोड़ा सा लेग कटर के अंदाज में गेंद को किया था, परफेक्ट यॉर्कर, बोल्ड हो गए बैट्समैन हरीश ठाकरे। पहला विकेट सस्ते में गिर, अच्छे रन बनने के बाद गिरा है। नए बैट्समैन ये देखिए कप्तानी कितनी अच्छी कर रहे हैं। दिलीप पाटिल ने देखा कि मजबूत स्थिति है और लोहा गर्म है तो क्यों ना हथौड़ा मारा जाए। वन डाउन पोजिशन पे बल्लेबाजी को आ रहे हैं और ओवर की देखिए, वैसे भी सिटी क्रिकेट के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा गोल्डन सिक्स लगाने वाले जो खिलाड़ी हैं वो दिलीप पाटिल है और इस ग्राउंड की हिस्ट्री में भी दो मर्तबा दिलीप पाटिल ने ही गोल्डन सिक्स लगाया है और दोनों बार आरिफ को एफसीसी के सामने लगाया है। इसी के साथ दो ओवर की समाप्ति और कुल रन बने हैं 35 एक विकेट के नुकसान पर। और अब कॉमेंट्री बॉक्स में बदलाव, मेरी जगह लेने आ रहे हैं मजहर खान। बहुत बहुत शुक्रिया राकिब अंसारी। दो ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कोर यहां पर समायरा का 35 रन एक विकेट नुकसान पर। ट्रिपल ए समय के मामले में आपको सहयोग करना होगा बाला सीनियर। और वाकई में सिटी क्रिकेट में बाला सीनियर को हम वेलकम कह रहे हैं। बहुत ही कमाल के खिलाड़ी हैं, पिछले 25 साल से क्रिकेट की खिदमत कर रहे हैं, बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। पहली गेंद वहां पर शुभम की वाइड यॉर्कर किया था, अच्छी गेंद रही, बल्लेबाज ने खोद कर निकाला इस गेंद को और सिंगल को अब डबल में कन्वर्ट करते हुए अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर राहुल और दिलीप पाटिल की। इस दो रन की मदद से स्कोर 37 रन पर पहुंचता हुआ। देखिए मजहर खान एक अच्छा बैट्समैन हुआ है जो अपने रन भी भागता है और अपने पार्टनर के रन भी भागता है। जी हाँ भावे सर, और इस तरह की जो रनिंग रहती है इसमें तालमेल होना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम अंजुमन स्पोर्ट्स और एसपी दापोड़े को एक्शन में देखेंगे। अंजुमन स्पोर्ट जो कि ऑर्गेनाइजिंग टीम रहेंगी। एम्पायर गोकुल दास पाटिल ये बताइए कि नो बॉल है। ओके, तीन रन। सर्कल का शायद नो बॉल दी एम्पायर ने। यस, इस बार बहुत अच्छी गेंद, फुलर लेंथ की गेंद थी ये, अभिषेक से थोड़ा सा बाहर रखा था इस गेंद को। अच्छी गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज शुभम, जगह नहीं दे रहे बल्लेबाज को स्ट्रोक खेलने के लिए। ये देखिए किस तरह से ये गेंद की थी, थोड़ा सा अंदर की जानिब भी आई थी टप्पा खाने के बाद गेंद। इस बार चेंज ऑफ पेस किया था, बहुत पहले पढ़ लिया था इस गेंद को वहां पर बल्लेबाज ने, हुक कर दिया उसको और देखना अब जाकर डीप में अच्छी फील्डिंग होती हुई। उसी बीच दो रन पूरे किए राहुल ने। इस दो रन की मदद से समायरा का स्कोर 40 रन। बहुत बढ़िया फील्डिंग हुई थी डीप स्क्वायर लेग पर। चेंज ऑफ पेस किया था गेंदबाज शुभम ने लेकिन उसको बहुत ही पहले पढ़ लिया था बल्लेबाज राहुल ने। इस
जहाँ फिर से फुलर लेंथ की गेंद, देखना है वहाँ पर एक्स्ट्रा कवर की जानिब खिलाड़ी खड़े हुए, एक रन से इस बार सहमत रहना पड़ेगा। और अब जाकर दिलीप पाटिल बहुत देर के बाद स्ट्राइक पर आते हुए, फेमस ट्रॉफी में गोल्डन सिक्स लगाया था एफसीसी के सामने दिलीप पाटिल ने। और इस बार आते ही साथ लंबा हिट लेना चाहते थे वहां पर, लेकिन खिलाड़ी मौजूद और उसी बीच एक रन पूरा किया। इस एक रन की मदद से स्कोर 42 रन पर पहुंचता हुआ तीसरे ओवर में एक अच्छी स्थिति पर नजर आ रही है समारा स्पोर्ट्स। टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करती हुई, और इस बार लंबा हिट लेने की कोशिश, देखना है वहां खिलाड़ी मौजूद है, आउट हो गए बल्लेबाज। राहुल की पारी समाप्त होती हुई, ये देखिए किस तरह से इस गेंद को खेला था वहां पर खिलाड़ी ने, गेंद के आने का इंतजार किया और उसको लॉब कर दिया, लेकिन बहुत अच्छा कैच समाप्त किया वहां पर डिप में खड़े हुए खिलाड़ी राहुल ने। दो विकेटों के नुकसान पर समायरा स्पोर्ट्स 42 रन। मैंने 23 रन बनाकर आउट हुए है राहुल। अब उनकी जगह लेने के लिए अभी पाटिल लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, इस बार देखना है क्या कुछ हुआ है वहां पर, तो विकेट गिरता हुआ उसी बीच दिलीप पाटिल की पारी समाप्त होती हुई। बहुत ही बढ़िया कैच समाप्त किया विकेट कीपर राकेश ने, मैन फ्रॉम काटाई। बहुत खूबसूरत कैच, इस तरह के कैचेस बहुत मुश्किल रहते हैं। आइए देखते हैं, बल्ले के अंदर लगी थी, दिलीप पाटिल ने जगह से फ्रंट फुट को आधा बार खींचा था, यही कारण था कि गेंद अंदर लगी। और देखिए एक हाथ का कमाल, बहुत बढ़िया कैच विकेट कीपर का। तो तीसरा विकेट गिरता हुआ इस वक्त समायरा स्पोर्ट्स का, दिलीप पाटिल एक रन बनाकर वापस लौटते हुए। यहाँ पर गेंदबाज शुभम अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने, लास्ट की जो दो गेंद रहती दोनों गेंदों पर उनको विकेट मिलता हुआ। अब दिलीप पाटिल की जगह लेने के लिए अगले बल्लेबाज मयूर। बहुत कुछ डिपेंड करता है मैन ऑफ क्राइसिस अभी पर, बहुत ही कमाल के बल्लेबाज है अभी, एक ऐसे मिडल ऑर्डर बैट्समैन है सालों से अपना एक जैसा परफॉर्मेंस करते हैं। अभी पाटिल का साथ देने नए बैट्समैन मयूर आए हैं। गेंदबाजी के लिए सौजन्य को बुलाया गया है। 42 रन 3 विकेटों के नुकसान पर समायरा स्पोर्ट्स। चौथा ओवर लेकर आते हुए सौजन्य ट्रिपल एस, समय के मामले में आपको सहयोग करना है ट्रिपल एस। पहली गेंद वहां पर हल्के हाथों से टैप करना चाहते थे अभी पाटिल, अच्छी गेंद रही सज्जन ने की, डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत करते हुए इस वक्त गेंदबाज सौजन ने। पिछले ओवर में शुभम ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, सिर्फ 7 रन खर्च किए थे और 2 विकेटें उन्होंने हासिल की थी, वहीं से थोड़ी सी रोकथाम लगी रनों पर। इस बार देखना है
छोड़ दिया इस गेंद को, व्हाइट का इशारा आता हुआ एम्पायर शकील कोडी का, अतिरिक्त रूप में एक रन बढ़ेगा, इस एक रन की मदद से स्कोर 43 रन 43। इस बार शॉट गेंद थी, उसको हुक कर दिया है, देखना है वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, शॉट फाइनल की जानिब, अच्छी फील्डिंग, उसी बीच एक रन पूरा किया, 44 रन 44, 3 विकेटों के नुकसान पर समायरा स्पोर्ट्स। बाबे सर 2 ओवर में 35 रन बन चुके थे, उसके बाद शुभम ने सिर्फ 7 रन खर्च किए और अब सौजन ने, वो भी एक बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हुए। इस बार बहुत बढ़िया गेंद, चेंज ऑफ पेस, वहां पर बल्लेबाज को फंसाया इस गेंद के ऊपर, अच्छी गेंदबाजी होती हुई, अब पढ़ नहीं पाए थे इस गेंद को मयूर, डॉट गेंद। इस बार देखना है उसको पुल कर दिया और 1 बाउंस में गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए, अच्छा स्ट्रोक आता हुआ मयूर के बल्ले से, इस चौकी की मदद से स्कोर 48 रन पर, 3 विकेटों के नुकसान पर। अंजुमन स्पोर्ट्स के कैप्टन और एसपी दापोड़े के कैप्टन, टॉस बॉक्स में आना है आपको, इसके बाद एक बड़ा मुकाबला देखेंगे हम। इस बार बहुत बढ़िया गेंद वहां पर सज्जन ने की, डॉट गेंद, अच्छी गेंदबाजी करे इस वक्त गेंदबाज। इसके बाद हम ऑर्गेनाइजिंग टीम अंजुमन स्पोर्ट्स को एक्शन में देखेंगे, दो दो हाथ लेंगी एसपी दापोड़े से, और जैसे कि एसपी दापोड़े के खिलाड़ी ने कहा था, एसपी इज बैक, एमजे ट्रॉफी का सेमीफाइनल और रोटरी प्रेसिडेंट का सेमीफाइनल। बिल्कुल एसपी बैक कहा था और वाकई में एसपी ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। इस बार फुल टॉस गेंद थी, देखना है उसको लॉब करने की कोशिश, कैच ड्रॉप होता हुआ, एक रन पूरा किया, मिस फील्ड भी होती हुई और उसी बीच 2 रन पूरे किए, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। हमारे बीच में अबुजर बाबू आ चुके हैं आरडी के, ये भी कमाल के खिलाड़ी हैं, हालांकि बहुत मान खिलाड़ी अबुजर, लेकिन वो चौका जब छोड़ा था अंजुमन ट्रॉफी में उन्हें आज भी याद रहा होगा। ओवर समाप्त होते हुए 4 कुल स्कोर है 50 रन। तो आइए बचे हुए 2 ओवर में क्या कुछ होगा ये बताएंगे सिद्दीक भाभी सर। 8 मिनट्स लेफ्ट ट्रिपल एस फॉर रिमेनिंग 2 ओवर्स। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, यू आर वॉचिंग आफ्टरनून सेशन क्रिकेट इन क्रिकेट अनफॉरगेटेबल अंजुमन ट्रॉफी 2019। वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रॉम शहबाज शेख एंड अंजुमन स्पोर्ट्स क्लब। चेंज इन बॉलिंग नाउ इज गोइंग टू बी नो शुभम कंटिन्यू फेसिंग हिम अभि पाटिल। अभि पाटिल सोफा प्लेड 2 बॉल एंड मेड 1 रन एंड मयूर ऑन 6 हेल्प ऑफ 4 बॉल्स। हियर गोस शुभम फेसिंग हिम अभि पाटिल। बसो अभि पाटिल दिस टाइम पुल्स इट नाइसली, सुनील इज देयर एट द डीप मिड विकेट, इनफ टाइम बैट्समैन गेट्स वन, 1 more to total नाउ। समारा स्पोर्ट गुड टोटल ऑन द बोर्ड 51 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स।
फिफ्थ ओवर इन प्रोग्रेस. नेक्स्ट मैच बिटवीन करण पाटिल फैम टीम एसपी दापोडे एंड शहबाज शेख फैम टीम अंजुमन स्पोर्ट. देन द लास्ट मैच योगेश भोईर फैम टीम मराठा पंजाब एंड नरेश मात्रे फैम टीम जॉली स्पोर्ट कामतगढ़. वॉर ऑफ टाइटन्स शुभम टर्न. बहुत दिस टाइम ब्यूटी बीस बैट्समैन बीस विकेट कीपर द थ्रू फॉर अ चीकी सिंगल नीड अ डायरेक्ट हिट टियर. ब्यूटिफुल बॉल बाय सिग्नल फ्रॉम अंपायर. लेग ब्रेक फ्रॉम शुभम. पिच एंड बाउंस टर्न एंड बाउंस. लुक एट दैट सुपर बॉल इन डीड. ओहो हो वाओ ब्यूटिफुल बॉल. शुभम राइट आर्म ओवर द विकेट फेसिंग हिम आवी पाटिल. अबूज आर जॉइन विद अस. आर डी वन ऑफ द ग्रेट बॉलर ग्रेट क्रिकेटर सिंस फ्रॉम 15 टू 20 इयर्स. दिस टाइम ट्राई टू यॉर्क विद द शॉर्ट बैक लीफ. नाइसली प्लेट लवली लुकिंग ऑन ड्राइव. फील्डर फाइंड द बॉल एट डीप मिड ऑन एंड लॉट ऑफ टाइम बैट्समैन क्रॉस फॉर अ इजी सिंगल. So his score was up to 53 for the loss of 3 wickets. Shubham. Here he go. This time flights one bowler back drive. Avi Patil is out, run out. Nice. Stop on his follow through. Avi want a run and finally run out. Wicket number 4th has gone now. Samaira Sport 53 for the loss of 4 wickets. वेलकम नियाल शेख दी समाजवादी वेस्ट प्रेसिडेंट जॉइंड इन अंजुमन ट्रॉफी. मोस्ट वेलकम सर. न्यू बैट्समैन इन साजन. स्कोर इज 53 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट समायरा स्पोर्ट. ये गोज शुभम. दिस टाइम पुट अवे इन द एयर. दैट्स अ टेरिफिक सिक्स. व्हाट अ शॉट. नॉट अ इजी दिस टाइप ऑफ स्टॉक. फोर्सिंग ऑफ इज बैक फुट विद द स्ट्रेट बैट डाउन द ग्राउंड राइट ऑन द वीआईपी. टेरिफिक शॉट. 6 रन्स. बहुत बढ़िया स्ट्रोक इस वक्त मयूर के बल्ले से आता हुआ. आउट स्टैंडिंग स्ट्रोक प्लेड बाय मयूर. स्कोर बाउंसिंग टू 59 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स. Right arm over the wicket. This time we wait for umpire signal. Ball is racing for 4. By signal from umpire. But very, very lucky indeed. Just missing the stumps. ये देखिए बाल बाल बचना जिसे कहते हैं. 5 ओवर की समाप्ति 63 रन 4 विकेटों के नुकसान पर समायरा स्पोर्ट ने एक अच्छा टोटल बनाया है क्योंकि सामने वाली जो टीम है उसकी बल्लेबाजी में भी काफी मजबूत है. इसके बाद बैक टू बैक 2 मुकाबले खेले जाने बाकी हैं. एसपी दापोडे बनाम अंजुमन होस्ट और आखिर में मराठा पंजाब बनाम जॉली स्पोर्ट कामतगर.
ऐसा लग रहा है कि गेंद स्टंप्स के बीच में से गई थी, टी शर्ट अलग होने की वजह से जो बैटिंग साइड है उसको दो रन का पेनल्टी दिया गया है। ये दो रन का पेनल्टी हम जब दूसरी इनिंग शुरू होंगी तो ऐड करेंगे। स्कोर है 63 रन। ये देखिए रिप्ले दिखाया जा रहा है, क्या किस्मत रही थी वहां पर। गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज सौजन्य, हालांकि साजन ने गेंद को मोड़ दिया ऑन साइड में। ऐसा लग रहा था कि साजन चले ससुराल, लेकिन यहां आउट हो गए दूसरे बैट्समैन। इस तरह कैच छूटा और आउट हो गए बैट्समैन मयूर। इसे कहते हैं कि करनी किसी की और भरनी किसी की, करे लल्लू और भरे कल्लू। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आ रहे हैं राजेश। देखिए मैं बार बार अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि बाली ट्रॉफी के जिन बड़ी टीमों ने या वो टीमें जो सिटी क्रिकेट BC4 में है अब तक अपने फॉर्म सबमिट नहीं किए तो आपको सबमिट करना है। कल आखिरी तारीख है और 24 तारीख को बाली ट्रॉफी का ड्रॉ रहेगा सिकंदर फक्की हॉल में देर शाम। लेग ब्रेक गेंद थी, छोटी बैकलिफ से टर्न किया, एक रन बना, दूसरे के लिए जा रहे हैं। बढ़िया टेक्निक, बहुत बढ़िया स्ट्रोक, सिर्फ पुश किया था ऑन साइड में अगेंस्ट दी टर्न। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 66 रनों पर 66। राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए, इस मरतबा गेंद को आसमान में तान दिया है, नो मैन्स लैंड में गेंद गिरी है, दूर से खिलाड़ी झपटे हैं, दो रन पूरे किए बैट्समैन ने। देखिए ग्राउंड की बाउंड्री बहुत लंबी है और यहां पर आप 3 रन भी भाग सकते हैं और 4 रन भी भाग सकते हैं। जो भारत का मशहूर वानखेड़े स्टेडियम है मुंबई में, अगर जाली की बाउंड्री हम पकड़ते हैं तो मुंबई के वानखेड़े की जो बाउंड्री है उससे 2 फीट ज्यादा है, 1 यार्ड ज्यादा है। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, इस मरतबा बहुत दूर किया था वाइट, 1 रन से स्कोर 69 रन। आप रमीज रईस और फारूक बड्डी काफी रिलैक्स नजर आ रहे हैं। लेग ब्रेक गेंद आने दिया, बहुत ही खूबसूरती के साथ निकाल दिया गेंद को वाइट इच फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, ब्रेक होने दिया था गेंद को, अपने आप को ऑफ स्टंप पे ली जाकर खड़ा कर दिया और गेंद को इंप्रोवाइज तरीके से खेल दिया वाइट इच फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। 73 रन। अब दबाव बढ़ता हुआ, क्योंकि जितने रन बनेंगे चेसिंग में उतना ही दबाव बढ़ जाएगा ट्रिपल एस पे। 3 गोल्डन सिक्स अब तक लगे हैं सिटी क्रिकेट में, पहला ट्रिपल एस के राज ने लगाया, दूसरा सोना देवी के अनिकेत ने और तीसरा अख्तर शेख ने धनेश के। 1 गोल्डन बाउंड्री SP के डेविड वार्नर सुनील ने इसी ग्राउंड पे लगाई थी और रन आउट वहां पे बैट्समैन।
एक गेंद बची और महेश पाटिल नए बैट्समैन जा रहे हैं। गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज सौजन ने। साजन ने गेंद को ड्राइव किया आउटफील्ड में, बहुत तेजी स्ट्रोक है आउटफील्ड में, डीप में गेंद को उठाया है, दो रन पूरे किए साजन ने, तो कुल मिलाकर रन बने समारा स्पोर्ट्स के 76-77 रनों की चुनौती। पचहत्तर रन बने और 76 का लक्ष्य रखा है। आइए दोस्तों अगले टॉस की तरफ हम बढ़े और खेलने वाली टीमें होस्ट अंजुमन स्पोर्ट्स बनाम एसपी दापोडे। मैं मोहतरम इश्तियाक खान साहब आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट एसपी दापोडे के कैप्टन जीत एंड ऑल द बेस्ट शहबाज शेख। मुंबई कोरला से हमारे बीच में तशरीफ लाए और शहबाज शेख के बहनों भी हैं, जीजा जी हैं, ठीक है, मोस्ट वेलकम। भिवंडी नगरी में आपका इस्तकबाल है, एक तरफ सारी खुदाई और एक तरफ बीवी का भाई। आइए उनके पास मैं ये सिक्का दे रहा हूं। 6 ओवर का मैच है, 2 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले। टॉस को जीता है अंजुमन स्पोर्ट्स ने, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे इल्तमास करूंगा कि आपको वीआईपी की जीनत बनना है। शहबाज शेख ये बताइए आपने टॉस जीता है क्या करना चाहिए? बैटिंग। रीजन इसलिए नहीं पूछूंगा कि जब भी आपने बल्लेबाजी की है सामने वाले टीम के लिए अपनी गेंदबाजी से कठिनाई रखी, लेकिन कहा जाता है कि जंग 2 मास पे लड़ी जाए तो जैन डिवाइड होता है, क्योंकि आपने इतना बड़ा शो रखा है, लेकिन इस मैच के लिए आप पूरी तरह प्रिपेयर हैं? पूरी तरह 100% इंशाल्लाह। और बल्लेबाजी करते हुए 6 ओवर में कितने रनों तक जाएंगे? ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत ही यादगार मैच रहा था रोटरी प्रेसिडेंट कप में, जॉली कामतकर के सामने एक छोटे टोटल को अच्छा डिफेंड किया था आपने। ये बताइए कि टीम में कोई रद्दो बदल है जो रोटरी में खेली थी? है, 1-2 चेंज है, इंशाल्लाह अच्छा करेंगे वो लोग भी। क्या लगता है कि कैप्टन आज ओपन करने जा रहे हैं? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करें कि अंजुमन जिस तरह से यहाँ उनके ऐतिहासिक मैच रहे हैं हिस्टोरिकल, उसी तरह का एक और मैच जुड़ने जा रहा है? इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट। जीत है मेरे साथ। जीत, सबसे पहले ये बताइए आपका नाम जीत है, आपकी टीम आजकल जीत भी रही है, लेकिन ये दिलों को जीतने वाला शो शहबाज शेख ने अंजुमन ट्रॉफी किया है, कैसा लग रहा है? इस शो के बारे में तो जितना बोलो उतना कम है। बहुत ही अच्छा शो करा है और पूरे 6 ओवर खेलने का इन्होंने जो मौका दिया है उससे सभी टीमों के लिए 6 ओवर खेलने का मजा जो आता है वो बहुत है। बिल्कुल, उसमें गेम प्लानिंग करने मिलता है। आप टॉस जीतते तो क्या करते? बैटिंग ही करने वाले थे लेकिन आपको फील्डिंग दी गई, तो जीत। ये बताइए कि क्या, देखिए 2 बैक-टू-बैक सेमीफाइनल आपकी टीम खेली है, लेकिन टीम में कहीं ना कहीं खिलाड़ी आगे पीछे हो रहे हैं, आज पूरी ताकत के साथ है? नहीं, कुछ प्लेयर नहीं है आज, लेकिन फिर भी हम पूरी ताकत से खेलने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि अंजुमन जिनकी गेंदबाजी में काफी धार है, आपने देखा था उनका मैच जॉली के सामने, एक लक्ष्य होगा जहाँ जीत तो रोकना चाहेंगे? जरूर, मैं 50 से कम में उनको रोकना चाहूंगा। क्या लगता है कि आतिश भामरे जीत की गेंदबाजी को हम देखने जा रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल। ऑल द बेस्ट। द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज अंजुमन स्पोर्ट्स वन द टॉस एंड दे डिसाइडेड टू द बैट फर्स्ट इज बैक टू द कमेंट्री बॉक्स।
मैच की शुरुआत करनी है। 76 रनों की चुनौती रखी है समायरा स्पोर्ट ने ट्रिपल एस के सामने, और गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे महेंद्र कामनकर वीआईपी एंड से। और दोनों ही सलामी बल्लेबाज सुनील और राज स्ट्राइक पर है सुनील, और नॉन स्ट्राइकर एंड पर है राज। बेहतरीन गेंदती पहले ही वाइड ओवर कर रखा था, ऊंची बैकलिफ से नहीं खेल पाए थे शॉट को, एक रन बनाने में सफल। इस एक रन की मदद से खाता खुलता हुआ ट्रिपल एस का। छिहत्तर रनों के स्कोर का पीछा करने उतरी है ट्रिपल एस। देखना है क्या इस स्कोर को आसानी से पा पाएगी या फिर समायरा इनके सामने कठिनाइयां पेश करेगी। इस बार स्क्वायर कट किया है खिलाड़ी वहां पर उस गेंद का पीछा करते हुए, लेकिन गेंद उनसे जीत जाएगी और बाउंड्री लाइन के बाहर। चार रन, बहुत ही खूबसूरत शॉट आता हुआ राज के बल्ले से। अच्छा स्ट्रोक खेला राज ने वहां पर, हल्के हाथों से खेला था, उसको स्क्वायर कट लगाया था और गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई। इस चौके की मदद से स्कोर 5 रन पर, जबकि जो लक्ष्य है ट्रिपल एस के सामने वह 76 रनों का। और राज जो कि इस वक्त बहुत अच्छे फॉर्म में भी है इस सीजन, ओहो परफेक्ट यॉर्कर, ऑफ साइड पे आकर बैट शॉट खेलना चाहते थे, गेंदबाज ने उन्हें पढ़ लिया और परफेक्ट यॉर्कर किया, कुछ भी नहीं कर सके बल्लेबाज। सफल हो गए थे राज वहां पर, विकेटों को खुला छोड़ दिया था और गेंदबाज महेंद्र कामनकर ने पहले देख लिया था कि विकेटें खुली है और बिल्कुल विकेटों पे ये गेंद को रखा था और बोल्ड हो गए राज। महेंद्र कामनकर वैसे भी एक बहुत अच्छे गेंदबाज है, स्थिति को देख कर वह गेंदबाजी करते हैं। एक बड़ा झटका लगता हुआ इस वक्त ट्रिपल एस को राज के रूप में, अब उनकी जगह लेने के लिए राकेश। बहुत ही अच्छी गेंद डाली थी वहां पर गेंदबाज महेंद्र ने, परफेक्ट यॉर्कर थी, कुछ भी नहीं कर सके थे बल्लेबाज, क्लीन बोल्ड हो गए। पहला झटका लगता हुआ ट्रिपल एस को 5 रन के स्कोर पर, और अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं राजेश राकेश। मैंडेटरी पावर प्ले का खेल चलता हुआ अब तक। इस बार लोअर फुल टॉस गेंदती उसे मोड़ दिया है डीप मिड विकेट की जानिब, एक रन बनाने में सफल हुए दोनों ही बल्लेबाज। इस एक रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन। बहुत ही खूबसूरत ड्राइव किया था बल्लेबाज ने, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद था, गैप को नहीं ढूंढ सके थे बल्लेबाज। कुछ फील्ड में चेंजेस करते हुए कप्तान, फिर से फुल टॉस गेंद लॉफ कर दिया है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है और आउट। बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ा, रनिंग कैच डीप मिड विकेट के खिलाड़ी ने। दूसरा झटका लगता हुआ ट्रिपल एस को, काफी ज्यादा अपने आप से निराश हैं बल्लेबाज। फुल टॉस गेंद मिली थी लेकिन उसका लाभ नहीं उठा सके थे, अपने आप को रूम नहीं दिया था वहां पर बल्लेबाज ने। शरीर में आई थी गेंद, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, असफल रहे। दूसरा विकेट गिरता हुआ इस वक्त ट्रिपल एस का सुनील के रूप में, और अब कठिनाइयां बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई इस वक्त ट्रिपल एस के लिए, क्योंकि जो लक्ष्य है राकीब वो बहुत ज़्यादा है
और शुरुआत बहुत खराब हो चुकी है। जो ऊपरी क्रम के बल्लेबाज थे सुनील और राज, दोनों ने कुछ खास नहीं कर पाया। दो विकेटों के नुकसान पर इस वक्त स्कोर है 6 रन। जी हाँ, मजर वही दिखता हुआ बड़े शॉट के लिए जाना चाहते थे शुरुआत से ही, और 2 झटके खा चुकी है अब तक ट्रिपल एस, और अब कठिनाइयां उनके लिए। समायरा शुरुआत से ही अपना सिकंजा कसती हुई। इस बार स्वीप किया है स्क्वायर लेग की जानी, वहां पर कोई भी खिलाड़ी नहीं। 4 रन, बहुत ही खूबसूरत शॉट, मानो वहां भाप लिया था कि वहां पर कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है। घुटना टेका और स्वीप कर दिया गेंद को, बहुत ही खूबसूरत शॉट। पूरी तरह से गेंद की लाइन में आते सफल किया था, बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक। बिल्कुल बहुत बढ़िया स्ट्रोक इस वक्त राकेश के बल्ले से आता हुआ। देखिए, मैं राकेश के बारे में आपको बताता चलूं कि ये अंडर आर्म के बहुत अच्छे खिलाड़ी है और उसी तरह का स्ट्रोक उन्होंने खेला भी है। समय के मामले में कॉपरेट करना है प्लीज, इसके बाद अभी हमें 2 मुकाबले खेले जाने हैं। समायरा स्पोर्ट, समय के मामले में कॉपरेट करें प्लीज। एक ओवर की समाप्ति पर कुल रन बने थे 10, 2 रनों की पेनल्टी अब ऐड कर दी गई है ट्रिपल एस, और उनके कैप्टन इस बात को ध्यान दे, 2 रनों की पेनल्टी को अब ऐड कर दिया गया है। तो एक ओवर की समाप्ति पर कुल रन है 12। समायरा स्पोर्ट्स, समय के मामले में सहयोग करना है। समायरा स्पोर्ट्स, हरेश ठाकरे, दिलीप पाटिल प्लीज, क्योंकि इसके बाद 2 मैचेस है और जो लास्ट मैच है वो क्लैश ऑफ टाइटंस है, मराठा पंजाब और जॉली स्पोर्ट्स कामतगर के बीच। समय के मामले प्लीज सहयोग करें। दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं साजन, हल्के हाथों से मोड़ा था मिड विकेट की जानिब, वहां पर दिलीप ने गेंद को उठाया, केवल 1 रन। इस 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन। अजीबोगरीब शॉट खेलना चाहते थे, बल्ले का बाहरी किनारा और बहुत ही खूबसूरत कैच विकेट कीपर का, 3रा झटका लगता हुआ ट्रिपल एस को। अपर कट लगाना चाहते थे वहां पर राकेश गेंद को, लेकिन चाइनीज कट लगा और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। एक और विकेट गिरता हुआ इस वक्त ट्रिपल एस का राकेश के रूप में। ये देखिए किस तरह से इस शॉट को खेलना चाहते थे, काफी ज्यादा हवे में उछल गए थे बल्लेबाज, यही कारण रहा था कि उस शॉट को सही से खेलने में असफल रहे और बल्ले का बाहरी किनारा लगा, गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। और अब बल्लेबाजी के लिए भेजा गया है ऋतिक को। बहुत ही अच्छी शुरुआत समायरा की, बल्लेबाजी में उनके सलामी बल्लेबाज ने जिस तरह की शुरुआत दिलाई थी उसी तरह की अच्छी शुरुआत दिलाते हुए उनके गेंदबाज भी। दोनों ही गेंदबाजों ने मैंडेटरी पावर प्ले में पूरी तरह से बांध के रखा है ट्रिपल एस को। इस बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन पूरी तरह से बीट बल्लेबाज, डॉट बॉल, घूम कर खेलना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल का कोई भी मिलाप नहीं। इस बार काफी ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर रही थी गेंद, वाइड करार दिया एम्पायर ने, अपनी दिशा से चूक गए थे गेंदबाज।
इस बार लॉर्ड फुल टॉस गेंद थी, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन वहां पर सही कनेक्शन नहीं। एक और डॉट बॉल। अब कठिनाइयां और बढ़ती हुई ट्रिपल एस के लिए, क्योंकि 76 रनों के स्कोर का पीछा करने उतरी है और अब तक केवल 14 रन बनाने में सफल हुई है। इस बार चेंज ऑफ पेस, चकमा खा गए बल्लेबाज, बहुत ही चतुराई भरी गेंदबाजी साजन द्वारा, बहुत ही बेहतरीन गेंद, आखिरी समय पर अपनी उंगलियों को फेराता पूरी तरह से बीट हुए बल्लेबाज, डॉट बॉल। फिर से गति में परिवर्तन, बल्ले का बाहरी किनारा, मौका था विकेट कीपर के पास लेकिन काफी दूर थी उनसे, पूरी कोशिश की थी उन्होंने लेकिन नाकामयाब हुए। दो ओवर की समाप्ति, इस दो ओवर की समाप्ति पर कुल रन बने हैं 15, 3 विकेट के नुकसान पर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी रही अब तक समायरा की। समय के मामले में कोऑपरेट करना है प्लीज समायरा स्पोर्ट, समय के मामले में आपको सपोर्ट करना है प्लीज। अभी इसके बाद दो बहुत ही अहम मुकाबले खेले जाने हैं और अब क्या कुछ पलटवार करने में कामयाब होगी ट्रिपल एस या नहीं, ये सब आंखों देख आपको अब बताएंगे मेरे साथी कमेंटेटर मजहर खान। बहुत बहुत शुक्रिया राकिब। 3 ओवर की समाप्ति पर, 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 15 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी जो रन चाहिए 24 गेंदों में 61 रन बनाने होंगे, लेकिन गेंदबाजी के लिए महेंद्र कामनकर जिन्होंने पहले ओवर में 10 रन खर्च किए थे और 2 विकेट हासिल की थी, अच्छी गेंदबाजी की थी, एक बार फिर से उनको कंटिन्यू रखा है। पहली गेंद वहां पर बाहर की जानिब निकल रही थी, ये गेंद घूमकर खेला है इस गेंद को और उसी बीच अभी पाटिल जब तक गेंद को फील्ड करते हैं 2 रन पूरे किए। इस 2 रन की मदद से स्कोर 17 रन पर पहुंचता हुआ ऋतिक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज एक बार फिर से सामना करेंगे महेंद्र कामनकर का। इस बार लंबा हिट लेना चाहते थे, बहुत अच्छी गेंद वहां पर महेंद्र कामनकर की, बल्लेबाज को जगह नहीं दे रहे राकिब गेंदबाज बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए। और अब तक सिर्फ 2 बाउंड्री आई, अब तक कोई बड़ा सिक्स नहीं आया है जिसकी जरूरत है इस वक्त ट्रिपल एस को। इस बार अच्छी गेंद, फुलर लेंथ की गेंद थी, वहां पर खोद कर निकाला है बल्लेबाज ने इस गेंद को और उसी बीच धीमे कदमों के साथ 1 रन पूरा किया। अब ऐसा लग रहा है कि हमारा ट्रिपल एस के जो बल्लेबाज है वो कोशिश नहीं कर रहे लंबे हिट लगाने की, लेकिन अब कोशिश करना होगा क्योंकि अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना, इस मैच को जीतना है तो यहाँ से अब बड़े हिट लगाने होंगे। लेकिन महेंद्र कामनकर बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे, जगह नहीं दे रहे बल्लेबाज को स्ट्रोक खेलने के लिए। बहुत ही अच्छी गेंद की थी महेंद्र ने, ब्लॉक हॉल में रखा था उसे, कारपेट के सारे खेला था मिड विकेट की तरफ बल्लेबाज। इस बार बहुत बढ़िया गेंद वहां पर फ्लिक किया इस स्ट्रोक को और बहुत दूर से खिलाड़ी आते हुए झपट्टा मारा है गेंद के ऊपर और उसी भी तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे किए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अच्छा कमिटमेंट देखने को मिलता हुआ किरण और ऋतिक, इस 2 रन की मदद से स्कोर 20 रन पर। बहुत ही खूबसूरत कलाइयों का इस्तेमाल किया था वहां पर। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, उसको लॉब करना चाहते थे किरण की पारी भी अब समाप्त होती हुई, एक और विकेट गिरता हुआ इस वक्त ट्रिपल एस का, 4 विकेटें गंवाने के बाद 20 रन। बल्लेबाज कोशिश कर रहे लेकिन गेंद और बल्ले का सही तरह से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लगातार अब कठिनाइयां बढ़ती हुई ट्रिपल एस के लिए। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे,
ऊंचाई तो मिली थी लेकिन दूरी नहीं प्राप्त कर सके। शॉट में बल्लेबाज किरण और अपना विकेट गंवा बैठे। निराश कदमों से पवेलियन लौटते हुए अब कठिनाइयां और भी बढ़ती हुई ट्रिपल एस के लिए और इस मुकाबले में अपना शिकंजा और मजबूत करती हुई समायरा स्पोर्ट। जी हाँ, ड्राइंग सीट पर इस वक्त बैठ चुकी है समायरा स्पोर्ट्स। ऋतिक इस बार बहुत बढ़िया स्ट्रोक देखना है, खाली क्षेत्र में खेल दिया इसे फाइनल की जाने में, गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई चार रन के लिए। अच्छा स्ट्रोक वहां पर ऋतिक के बल्ले से, इसी तरह की बल्लेबाजी करनी होगी ट्रिपल एस के बल्लेबाजों को। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद को खेलना चाहते थे मिड विकेट की जानिब, लेकिन बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और गई फाइनल की तरफ, लेकिन वो जो चाहते थे वो तो मिला, चार रन पूरे। इन चार रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन चार विकेट के नुकसान पर। तो 18 गेंदें बची है और रन यहां से चाहिए 52। आस्किंग रन रेट अब यहां से काफी बढ़ता हुआ 17.33। दिलीप पाटिल आपको समय के मामले में कॉपरेट करना है प्लीज, काफी ज्यादा वक्त हो चुका है। अब साजन को कंटिन्यू रखा है कप्तान ने। जी हाँ, इस वक्त साजन अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आते हुए, पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी की थी उन्होंने, वही कारण है कि उनको दूसरा ओवर दिया गया है जहां पहले ओवर में 3 रन खर्च किए थे। इस बार बढ़िया स्ट्रोक वहां पर हरीश के बल्ले से आता हुआ और अच्छी फील्डिंग हुई डीप में, उसी बीच 1 रन पूरा किया है। इस 1 रन की मदद से स्कोर 25 रन पर, बहुत बढ़िया फील्डिंग की थी, लगभग अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए खिलाड़ी ने। राहुल खड़े हुए थे वहां पर। इसके बाद हम अंजुमन स्पोर्ट्स और एसपी दापोड़े को एक्शन में देखेंगे, जहां पर टॉस जीता है अंजुमन स्पोर्ट्स ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला, बैटिंग करने का फैसला लिया है। इस बार ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर रखा था इस गेंद को, लंबा हिट लेना चाहते थे, सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं, कारपेट के सहारे जाती हुई गेंद, 1 रन आएगा। और आज का जो लास्ट मुकाबला रहेगा मराठा पंजाब और जॉली स्पोर्ट्स कामतगर के बीच, एक बड़ा मुकाबला हम देखेंगे। अंजुमन ट्रॉफी 2019 अनफॉरगेटेबल, ना भूलने वाला क्रिकेट, आज का पहला दिन और लास्ट मुकाबला एक बड़ा मुकाबला। इस बार देखना है वहां पर शॉट फाइनल की जानिब, गेंद आती हुई है, उसी बीच 1 रन पूरा किया। अब एक एक दो दो में रन आते हुए राकिब, बड़े स्ट्रोक मानो इस वक्त बंद से हो गए। एक एक दो दो रनों से तो कोई भी परेशानी नहीं होगी समायरा स्पोर्ट और उनके कप्तान को, क्योंकि उन्हें भी पता है यहां से काफी ज्यादा रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। ट्रिपल एस को बड़े शॉट्स की अब जरूरत है, वो भी एक दो नहीं ज्यादा से ज्यादा। इस बार फोर्स करना चाहते थे इस गेंद को, सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं, लॉन्ग ऑफ के ऊपर खड़े हुए राहुल ने एक बार फिर से अच्छी फील्डिंग की, 1 रन आएगा। इस शॉट में एलिवेशन नहीं बना था, यही कारण रहा था कि तेजी नहीं प्राप्त कर पाए थे बल्लेबाज, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने इसे कनेक्ट किया और 1 ही रन बनाने में सफल दोनों ही बल्लेबाज। इस 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 28 रन। इस बार चेंज ऑफ पेस किया था, बहुत पहली पढ़ लिया था इस गेंद को, फुल टॉस गेंद मिलती हुई हरीश को और उसको लॉब कर दिया 6 रन के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक हरीश के बल्ले से आता, इस सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे दौड़ता हुआ 34 रन पर। अब जाकर बड़ा हिट आता हुआ, लोअर फुल टॉस गेंद मिली थी, स्वीप कर दिया इसे
मिड विकेट के ऊपर से गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। बहुत ही खूबसूरत शॉट खेला वहां पर बल्लेबाज ने। देखिए जो गेंदबाज साजन ने जो गेंद डाली थी, चेंज ऑफ पेस करना चाहते थे लेकिन वो फुल टॉस पड़ गई, अपने ही पैरों पे मानो कुल्हाड़ी मार ली गेंदबाज ने। अतिरिक्त करने की कोशिश की थी वहां पर गेंदबाज ने, लेकिन वहां पर बल्लेबाज का बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ बल्ले से इस 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन 4 विकेट के नुकसान पर। हरेश अब भी अपनी टीम के लिए जूझते हुए। तो एक बार फिर से खेल की शुरुआत होने जा रही है। साजन सामना करेंगे एक बार फिर से, हमारे बीच में कयाम शेख साहब और गनी भाई आ चुके हैं। वेलकम गणेश भाई आ चुके हैं मैन फ्रॉम कांबे। इस वक्त हमसे जुड़े हैं कयाम शेख और गणेश उर्फ गनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंजुमन ट्रॉफी 2019 में हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। कयाम शेख साहब के बड़े भाई हैं कयाम शेख साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका अंजुमन ट्रॉफी 2019 में। हम आपका दिल की अमीक गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम कहते हैं। तो अभी अभी हमारे बीच में आ चुके हैं कयाम शेख साहब और उनके साथ में गणेश भाई, कांबे से वो आया है। वेलकम गणेश भाई और कयाम शेख साहब। अब दर्शक बढ़ते हुए अंजुमन ट्रॉफी 2019 में धीरे धीरे शाम और दर्शकों बढ़ते हुए 34 रन 5 विकेट के नुकसान पर और पांचवा ओवर लेकर आ रहे हैं। देखिए रकीब 4 तारीख से यहाँ पर बाली ट्रॉफी शुरू होने जा रही है और कयाम शेख साहब को एक बार फिर से हम एक्शन में देखेंगे बाली ट्रॉफी के साथ। बिल्कुल अल्ताफ बाली सर के साथ उनके कांधे से कांधे मिलाकर बाली ट्रॉफी को पिछले 3 सालों से वो सफल करते आ रहे हैं और एक बार फिर से हम देखेंगे 4 फरवरी से बाली ट्रॉफी। और वो जो इंडियन क्रिकेट वो जो टूर्नामेंट रहता है, मैं तो अक्सर कहता हूँ कि हर दिन ईद और रात दिवाली रहती है। तो पांचवा ओवर लेकर आए गेंदबाज जयेश, जो कि इस साल 39 रन खर्च किए लेकिन पिछले साल बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। इस बार बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर ऋतिक के बल्ले से आता हुआ, 6 रन, बेहतरीन स्ट्रोक। सिक्सर के साथ स्वागत किया है वहां पर ऋतिक ने जयेश का। देखिए रकीब इस साल जो कि 2 गेंदबाज बने हैं, एक योगेश डोंदिया और जयेश, जिन्होंने 39 रन खर्च किए अपने एक ओवर में। आज योगेश ने बहुत महंगा ओवर डाला था, 39 रन खर्च किए थे और जयेश ने भी, लेकिन जयेश ने जो पिछले साल बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, दोनों के दोनों उनके ओवर जो रहे थे वो मेडन ओवर रहे थे। लेकिन वो पिछला साल था, ये नया साल है, इस बार उनका सिक्सर से स्वागत किया है बल्लेबाज ऋतिक ने। ऋतिक ने अभी भी मानो उम्मीदें नहीं छोड़ी है, लगे हुए हैं, डटे हुए हैं अपनी टीम के लिए। इन 6 रनों की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन। यहां से अभी भी 36 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए, ट्रिपल एस को। ऐसा नहीं है कि इस टारगेट को छुआ नहीं जा सकता, अभी भी छुआ जा सकता है क्योंकि ये क्रिकेट है, यहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। जयेश इस बार लंबा हिट लेना चाहते थे, वहां पर कैच ड्रॉप हो गया है, विकेट कीपर दिलीप पाटिल मौजूद है। घूमकर शॉट खेलना चाहते थे, गेंद पर उनकी निगाहें नहीं थी, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश थी, बल्ले का बाहरी किनारा लगा था, वहां पर विकेट कीपर से कैच छूटता हुआ, काफी निराश थे वहां पर दिलीप अपने आप से।
तो इस बार बहुत बढ़िया स्ट्रोक ऋतिक के बल्ले से आता हुआ फोर्स किया था इस गेंद को और लॉब कर दिया 6 रन के लिए। इस सिक्सर की मदद से स्कोर 46 रन 46। तब यहां से जो रन चाहिए वो है 30 रन बची हुई 8 गेंदों में। यहां पर ऋतिक बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अपनी इनिंग में दूसरा सिक्सर लगाया उन्होंने और कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा मैच में वापसी करती हुई ट्रिपल डेज। उसका कारण ये है कि ऋतिक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर से देखना है क्या कुछ हो पाता है और इसको भी लॉब कर दिया 6 रन के लिए, बेहतरीन स्ट्रोक। ये कहाँ मानने वाले, ये ऋतिक हैं, इन्होंने अभी तक उम्मीदें नहीं छोड़ी है। लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर, गेंद को भेज दिया था ग्राउंड के बाहर 6 रन। सात गेंदे और 24 रन, बैक टू बैक 2 सिक्सर लगाए इस वक्त ऋतिक ने। देखिए एक चीज कहूंगा कि जो बल्लेबाजी पे इस वक्त ऋतिक है इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी उसको ऑन साइड में ढकेल दिया है, 1 रन पूरा किया है मिसफील्ड होती हुई, लेकिन दूसरे रन के लिए नहीं जाना चाहेंगे वहां पर ऋतिक, 1 रन से ही सहमत रहना पड़ेगा। ओवर की समाप्ति होती हुई अब यहां से जो रन चाहिए वो है 23, 6 गेंदे और 23 रन। आखिरी ओवर में 23 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए ट्रिपल एस को। एक मैच में वापसी करती हुई इस वक्त ट्रिपल एस। छह गेंदे और 23 रन, अब देखना लास्ट ओवर के लिए कौन सा गेंदबाज आता है ओवर के लिए। वापसी के संकेत तो दिए हैं ऋतिक ने, लेकिन थोड़ी सी देर हो गई। अगर शुरुआती ओवर्स में उनके ओपनर से अगर थोड़ी सी भी अच्छी शुरुआत दिलाई होती तो ऋतिक इस मुकाबले का निर्णय बदल सकते थे, अभी भी बदल सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा मुश्किल है इक्वेशन, लेकिन नामुमकिन नहीं। क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमने देखा योगेश धोंडे ने 1 ओवर में 39 रन खर्च किए, यहाँ पर 6 गेंदे और 23 रन, बन भी सकता है और नहीं भी, ऋतिक लगे हुए हैं। तो एक बार फिर से खेल की शुरुआत होने जा रही है, 6 गेंदे और रन यहां से चाहिए 23। समारा स्पोर्ट्स लास्ट ऑफिशियल कॉल दिया जा रहा है, आपको समय के मामले में सहयोग कर रहा है, वरना 2 रन की पेनल्टी लग सकती है। समारा के कैप्टन हरेश ठाकरे, पहली गेंद वहां पर फुल टॉस गेंद थी, घूमकर खेलना चाहते थे, कारपेट के सारे गेंद जाती हुई मिस फील्ड होती हुई 1 रन पूरा किया और दूसरे के लिए पलट चुके वहां पर ऋतिक। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन आए इस गेंद पर, 5 गेंदे और 21 रन। लास्ट ओवर लेकर आए गेंदबाज राहुल, फुल टॉस गेंद मिली थी, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन गेंद गई थी कारपेट के सहारे डीप मिड विकेट में, वहां पे एक फील्डर से मिस फील्ड हुआ था लेकिन दूसरे खिलाड़ी ने अच्छा बैकअप दिया और 2 रन बनाने में कामयाब हुए दोनों ही बल्लेबाज। अब यहां से 5 गेंदे 21 रन, मुकाबला अब भी बराबरी पर तो नहीं कर सकते लेकिन कुछ ना कुछ तो हो सकता है।
इस बार फिर से बड़ा शॉट खेलना चाहते थे ऋतिक, लेकिन एलिवेशन नहीं बना था शॉट में, डीप मिड विकेट में वहां पर बॉल को फील्ड किया खिलाड़ी ने, एक ही रन बनाने में कामयाब। और अब समायरा के लिए खुशी की बात यह है कि ऋतिक स्ट्राइक पर नहीं है। चार गेंदे और अब यहां से जो रन चाहिए वो है 20 रन। जो बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे अब वो स्ट्राइक पर नहीं है, नॉन स्ट्राइक पर है। लेकिन इस वक्त राहुल गेंदबाजी के लिए भी राहुल और बल्लेबाजी के लिए भी राहुल, थोड़ी सी हम कह सकते हैं देरी हुई वापसी करने में ट्रिपल एस को। इस बार वाइड यॉर्कर रखा था गेंद को, कारपेट के सारे खेला है, गेंद जा रही है पॉइंट की तरफ, वहां पर खिलाड़ी से मिस फील्ड हुआ था, दो रन लेने में कामयाब हुए दोनों ही बल्लेबाज। अब बची हुई तीन गेंदों पर 18 रन, यानी तीन गेंदे तीन सिक्सर। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले का भारी किनारा और शॉट थर्ड मैन के खिलाड़ी से मिस फील्ड हुआ, वहां पर मिस जज कर बैठे थे और गेंद गई है बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रन। अब दो गेंदे 14 रन। अब मुकाबला अगर कोई हरा सकता है तो गेंदबाज खुद है और चेसिंग कंपलसरी है, इस बात का ख्याल रखना है दोनों ही टीमों को। वहां पर हिट लेना ज्यादा नाराज है, लंबा हिट लेना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन टॉपेज लगा था और बलून बन गया था, वही कारण था कि जब गेंद जमीन पर गिरी थी उसके बाद टर्न ले ली थी, जय इसको भी समझ में नहीं आया कि गेंद एक बार एक कैसे क्या टर्न हो गई। दो गेंदे जीत के लिए 14 रन। इस बार स्क्वाड कट करना चाहते थे, जमीन पर नहीं रख पाए थे गेंद को, पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद था और कैच दे बैठे। बिल्कुल बहुत बढ़िया कैच वहां पर महेंद्र कामनकर ने, अपनी जगह से भी नहीं लेते सीधा उनके हाथों में दे बैठे बल्लेबाज राहुल। एक और विकेट गिरता हुआ, स्क्वायर कट किया था वहां पर बल्लेबाज ने लेकिन जमीन पर नहीं रख पाए थे गेंद को और सीधा गई थी फील्डर के हाथों में बॉल। कैच आउट, गेंद बची है रकीब यहां पर ट्रिपल एस को इस मैच को हारने के लिए। तो इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है समायरा स्पोर्ट्स ने। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन समायरा स्पोर्ट, हार्ड लक ट्रिपल एस। तो इस मैच के मैन ऑफ द मैच है राहुल। आइए दोस्तों, राहुल इज द मैन ऑफ द मैच। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन बबन पाटिल, दिलीप पाटिल एंड समर स्पोर्ट हार्ड लक ट्रिपल एस। आइए मैन ऑफ द मैच का गिफ्ट एम्पर जो हमें स्पॉन्सर किया है गुलाम साबिर अमान टूर्स एंड ट्रेवल्स के, राहुल आपको आगे आना है मैन ऑफ द मैच के लिए। और हमारे बीच गो ईस्ट और वेस्ट, बाली इज द बेस्ट, बाली ट्रॉफी जो 4 से 16 फरवरी को दस्तक दे रही है, उसके फोकस मैन मोहतरम कयाम शेख साहब हैं। राहुल आपको ऊपर आना है हमारे VIP डेस्क पे मैन ऑफ द मैच के लिए। मैं कयाम शेख साहब से इल्तमास करता हूं कि मैन ऑफ द मैच की खूबसूरत ट्रॉफी राहुल को आपको देना है। बाली ट्रॉफी के सिर्फ एक दिन का वक्फा बचा है फॉर्म सबमिट करने के लिए। राहुल को मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी देने जा रहे हैं कयाम शेख, द फोकस मैन, उनके हाथों से हम ये ट्रॉफी दे रहे हैं। मैं गणेश उर्फ गनी, बहुत अच्छे बायात के स्पिन गेंदबाज थे, उनसे कहूंगा कि गुलाम साबिर का एक गिफ्ट एम्पर आपको उन्हें मैन ऑफ द मैच का तोहफा देना है। बहुत बहुत मुबारक हो राहुल, ऑल द बेस्ट दिलीप पाटिल फॉर नेक्स्ट मैच एंड समायरा।